चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग केमिस्ट्री पढ़ना। और केमिस्ट्री में आपको पता है आज हम लोग केमिस्ट्री को, जैसा कि हम लोग जानते हैं, तीन खंड में बांटते हैं इसको। एक का नाम है फिजिकल, फिजिकल केमिस्ट्री जिसको बोलते हैं भौतिकी रसायन, भौतिकी रसायन। फिर होता है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक पूरा नाम लिखे ORGANIC होता है, ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक रसायन। और एक होता है इनऑर्गेनिक यानी कि अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। तो टोटल अगर बात करें हम लोग तो अभी हम लोग केमिस्ट्री का यही तीन खंड में बटा हुआ है, केमिस्ट्री तीन खंड में बटा हुआ है। खंड एक का नाम है फिजिकल, दूसरा ऑर्गेनिक, खंड तीसरा इनऑर्गेनिक। तो प्यारे छात्रों जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे वो खंड एक पढ़ रहे थे, मतलब फिजिकल पढ़ रहे थे। और फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल पांच चैप्टर हैं। कौन कौन सा तो आपको याद होना चाहिए, पहला है ठोस अवस्था, दूसरा है विलयन, तीसरा है वैद्युत रसायन और चौथा है वैद्युत रसायन और चौथा है रासायनिक गतिकी, गति की। और पांचवा चैप्टर है पृष्ठीय रसायन, पांचवा चैप्टर का नाम है पृष्ठीय रसायन। तो यहां से आपको नोट नहीं करना है, ये हम आप लोग जानकारी के तौर पे बता रहे थे कि फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल पांच चैप्टर है और हम लोग ठोस अवस्था को पढ़ लिए, विलयन को पढ़ लिए, वैद्युत रसायन को पढ़ लिए। अब जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो फिजिकल का रासायनिक गतिकी स्टार्ट करने वाले हैं। और इसमें हम लोग समझने वाले हैं कि रासायनिक गतिकी में क्या क्या होता है, रासायनिक गतिकी होता क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के खंड वन, केमिस्ट्री का खंड वन चैप्टर, खंड एक का नाम क्या है, भौतिकी रसायन, भौतिकी रसायन। अब इसका चौथा नंबर चैप्टर नाम क्या है, रासायनिक गतिकी, इसको अंग्रेजी में बोले तो केमिकल काइनेटिक्स, इसको अंग्रेजी में केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं, हिंदी में रासायनिक गतिकी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग को क्या मिलेगा उसका डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग, जैसे कि वैद्युत रसायन का मतलब जो भी चैप्टर होता है प्यारे छात्रों, उस चैप्टर का मीनिंग होता है तभी वो एक चैप्टर का नाम पकड़ा जाता है। उसी चैप्टर के नेम से हम लोग को पता चलता है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें यानी कि इसका जो नाम है रासायनिक गतिकी, इसका नाम से ही पता चल रहा है, रासायनिक यानी कि केमिकल, गतिकी, गतिकी का मतलब गति, फिजिक्स यही तो बात है, इसको फिजिक्स में ही रखा जाता है गति को, इसी से फिजिक्स से बना है फिजिकल। और आपको पता होना चाहिए कि जो भी हम लोग को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा वो फिजिकल केमिस्ट्री में ही सॉल्व करने को मिलता है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो रासायनिक गतिकी के चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रासायनिक का मतलब केमिकल, गति, गति का मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी मोशन, ठीक है, गति वेग। यानी कि एक केमिकल जब अभिक्रिया में भाग लेता है तो उसका गति पे निर्भर करता है कि वो किस दर से कितना टाइम पे वो अभिक्रिया करेगा। कुल मिलाकर अगर आप बात करें, आप जैसे कि देखते होंगे आप दही में सीरा को डालते हैं जिसको जोरन आमतौर पे बोला जाता है कि दही सॉरी दूध में जब जोरन डाला जाता है तो दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो अभिक्रिया है ये बिल्कुल मंद अभिक्रिया है, यानी कि जब आप रात में डालते हैं तो सुबह होते 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 वो पूरा का पूरा दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि यहां चेंज तो हुआ ना, लेकिन ये चेंज कैसा हुआ, ये गति पर निर्भर किया कि इसमें ज्यादा टाइम लगा। और कुछ ऐसी भी अभिक्रिया है जो आपको एट अ टाइम तुरंत अभिक्रिया कर जाता है। तो यानी कि इस चैप्टर में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि जब कोई केमिस्ट्री में रिएक्शन होता है, अभिक्रिया होता है या कराया जाता है तो वो उसका गति कितने तरह का होता है, किस तरह का वो गति को फॉलो करता है,
यानी कि बहुत सारी अभिक्रियाएं बहुत तीव्र होती है, बहुत तेज होती है। आप जब कभी भी अभिक्रिया कराओ, आप खुद सोचो ना, बहुत सारे ऐसे टैबलेट्स है जो हम लोग खाते हैं तो अभिक्रिया करके जल्दी हम लोग को प्रोवाइड कराते हैं, जैसे ग्लूकोज। ग्लूकोज जो भी प्लेयर्स लोग होते हैं वो ज्यादा पीते हैं ग्लूकोज, क्योंकि वो जल्दी टूटता है और हमें जल्दी एनर्जी देता है। लेकिन उसके उससे ज्यादा क्षमता वाले टैबलेट्स हैं, टॉनिक है, लेकिन वो हमें बहुत देर के बाद एनर्जी प्रोवाइड कराता है, यानी कि वहां पर अभिक्रिया बहुत ज्यादा देर के बाद होता है। तो उसी तरह से बहुत सारी जो, और चींटी का डंक हुआ या फिर बिच्छू का डंक हुआ, तुरंत हम लोग को शरीर में प्रवेश करता है और उसका लक्षण तुरंत दिखने लगता है, यानी कि तुरंत अभिक्रिया वो कर जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया जो होती है वो क्या होती है, तीव्र अभिक्रिया होती है। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि जब कोई भी केमिकल को रिएक्शन कराया जाता है, अभिक्रिया कराया जाता है, तो वो गति पर डिपेंडेबल होता है, यानी कि किसी का फास्ट होता है रिएक्शन, किसी का स्लो रिएक्शन होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये रासायनिक गतिकी का मतलब क्या है। तो रासायनिक गतिकी का ही चैप्टर जो लिखे हैं इसके ही नीचे एरो देना है, ताकि ये समझ सके कि रासायनिक गतिकी होता क्या है। तो कोई टॉपिक नहीं लेंगे, कोई टॉपिक नहीं अभी नहीं, अभी हम लोग सिर्फ रासायनिक गतिकी के बारे में कुछ डेफिनेशन लिखेंगे छोटा सा। कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे, लिखेंगे रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के वेग, रासायनिक अभिक्रिया के वेग और उसकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, और उसकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, उसे रासायनिक गतिकी कहा जाता है, उसे रासायनिक गतिकी कहा जाता है। नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे बहुत सी अभिक्रियाएं तीव्र और मंद हो सकती है, बहुत सी अभिक्रियाएं तीव्र या मंद हो सकती है। जैसे जैसे एक अभिक्रिया लिखना है, जैसे मैं BaCl2 इसको पढ़ते हैं बैरियम क्लोराइड प्लस H2SO4 इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, से क्या बन रहा है BaSO4 बैरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जो अभिक्रिया है ये कैसा अभिक्रिया है, तो तीव्र अभिक्रिया है, ये बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है। तो एग्जाम्पल में फर्स्ट एग्जाम्पल में लिख देंगे ये तीव्र अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर दूसरा अगर हम लोग बात करें तो दूध से जो दही का निर्माण होता है, दूध से दही का जो निर्माण होता है ये मंद अभिक्रिया के अंतर्गत आता है, यानी कि ये स्लो रिएक्शन है, स्लो रिएक्शन है, मंद अभिक्रिया है। तो टोटल मिलाकर बात यही हुआ है कि रासायनिक गतिकी रसायन विज्ञान का वह शाखा है जिसमें हम लोग किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग के बारे में पढ़ते हैं कि वो किस वेग से अभिक्रिया कर रहा है, उसमें कितना टाइम लगेगा, राइट। तो ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग जो टॉपिक लेंगे वो टॉपिक लेंगे नेक्स्ट, अब हम लोग टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे। तो अब टॉपिक लेंगे अभिक्रिया का वेग, टॉपिक का नाम है अभिक्रिया का वेग, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, और ये पॉइंट वीवीआई है, पूछता है कि अभिक्रिया का वेग हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो उसके नीचे फर्स्ट एरो देंगे, अभिक्रिया के वेग के नीचे लिखेंगे अभिक्रिया प्रारंभ हो जाने पर, अभिक्रिया प्रारंभ हो जाने पर अभिकारकों का सांद्रण, अभिकारकों का सांद्रण घटने लगता है, अभिकारकों का सांद्रण घटने लगता है तथा प्रतिफल का सांद्रण
प्रतिफल का सांद्रण बढ़ने लगता है। नेक्स्ट एरो देंगे, दूसरा एरो लिखेंगे, अभिक्रिया के वेग को दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है। अभिक्रिया के वेग को दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है। पहला, उसके नीचे पहला नंबर देंगे, नंबर वन, अभिकारकों में से किसी एक अभिकारक के सांद्रण के घटने के वेग द्वारा। दूसरा, फर्स्ट के नीचे दूसरा, प्रतिफल में किसी एक प्रतिफल के सांद्रण में वृद्धि होने के वेग द्वारा। चलिए, तो अब हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि अभिक्रिया का वेग क्या है, किसको हम बोलेंगे अभिक्रिया का वेग। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मान लिया कि कोई भी अभिक्रिया, जैसे मान लिया कि अगर हम लोग दूध से दही का निर्माण करने वाले हैं, और आपको पता होना चाहिए, इसको नोट नहीं करना, समझना है कि अभिक्रिया का वेग में कौन सा बात हम लोग लिखे हैं अभी। तो दूध से दही के निर्माण में जो एक जीवाणु यूज किया जाता है या जीवाणु रहता है, उसका नाम आपको पता होना चाहिए, लैक्टोबैसिलस होता है। लैक्टोबैसिलस यानी कि एक दूध से दही के निर्माण में एक जीवाणु का जो प्रयोग होता है या जीवाणु का निर्माण होता है, वो जीवाणु किस जीवाणु के कारण, अक्सर पूछा जाता है किस जीवाणु के कारण दूध से दही में परिवर्तन होता है, तो वो एक जीवाणु है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। अच्छा, ये तो हम लोग को हो गया, लेकिन ये इससे मतलब था नहीं, हम लोग को बस बता दिए कि कोई भी कॉम्पिटेटिव लेवल के क्वेश्चन में आता है। अब हम लोग बात करें कि जैसे ही दूध में हम लोग शीरा डाले तो क्या 2 सेकंड के बाद हम लोग को दही मिला? नहीं ना, बहुत टाइम लगा, 12 से 15 घंटे टाइम लगता है दही के फॉर्मेशन होने में। तो इस दरमियान हुआ क्या, जैसे ही अगर शीरा को डाले, उसी टाइम से रिएक्शन होना, अभिक्रिया होना स्टार्ट हो गया, अभिक्रिया होना शुरू हो गया। कब से? जब उस दूध में हम लोग शीरा को डाले, यानी कि जोरन जिसको बोलते हैं, कोई भी खट्टा चीज को उसमें डाले, तो वहां से रिएक्शन वो क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। जब स्टार्ट हो गया रिएक्शन होना, तो हम लोग मान लिया कि दूध इतना सारा है, ये क्या है, दूध है। अब जब कभी भी इस दूध में हम लोग शीरा को डाले हैं, दूध में हम लोग को यहां पे शीरा डाले इतना मात्रा में, ये ब्लू वाला लाइन दिख रहा है, ये शीरा है। अब दूध में अगर शीरा को डाल रहे हैं तो इतना वाला पार्ट्स में शीरा है। अब धीरे धीरे जब भी रिएक्शन होगा, तो जैसे जैसे टाइम मेरा बढ़ेगा, जैसे अभी बज रहा है 8, तो 8 से जब 8:15 होगा, तो कुछ मात्रा अब दही में चेंज होगा, मान लिया जाए कि इतना मात्रा दही में चेंज होगा। फिर 9 से अगर आगे 9:30 या 8:15 से 8:30 होता है, तो कुछ मात्रा दही में चेंज होता है। तो आप देख पा रहे होंगे ऐसे होते 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 दूध का मात्रा घटते जाता है और दही का मात्रा बढ़ते जाता है, देख रहे हैं। अब ऐसे ही टाइम कुछ और 9 बज गया 9:30 बज गया, तो ये दूध का मात्रा घट रहा है, क्योंकि इधर तो टोटल दूध था ब्लैक वाला, यहां पे ये दूध है, और धीरे 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 ये अब दही के कब्जे में आ रहा है। और ऐसा करते करते एक ऐसा टाइम आता है कि पूरा का पूरा दूध जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है दही में। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी जो अभिक्रिया है, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, मंद अभिक्रिया है, बहुत स्लो रिएक्शन होता है। अब इसमें हम लोग एक बात और समझेंगे
कि कभी भी रिएक्शन को एक एरो द्वारा सूचित करते हैं और रिएक्शन के बाएं साइड को बोलते हैं अभिकारक, रिएक्टेंट, इंग्लिश में रिएक्टेंट और हिंदी में अभिकारक, और राइट साइड को बोलते हैं प्रोडक्ट यानी कि प्रतिफल। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे तो कोई भी रिएक्शन, कोई भी अभिक्रिया क्यों ना हो, अभिकारक जब भी रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है तो अभिकारक की मात्रा घटने लगता है। जैसे मान लिया कि आप दूध से दही बना रहे हैं तो दूध का मात्रा धीरे धीरे जब अभिक्रिया स्टार्ट कर लिया, जैसे मतलब सिरा डाल दिया उसमें, तो दूध का मात्रा घटना शुरू हो गया और दही का मात्रा बढ़ना शुरू हो गया। कब? जब रिएक्शन स्टार्ट होता है। जब अभिक्रिया शुरू होता है तो अभिकारक का सांद्रण या अभिकारक का मात्रा घटने लगता है और प्रतिफल का मात्रा बढ़ने लगता है। तो प्यारे छात्रों, यहां से ये हुआ कि जब कोई भी चीज बढ़ता है उसको हम लोग प्लस से दिखाते हैं, पॉजिटिव। अब जो भी मात्रा अगर घटता है उसको हम लोग निगेटिव से दिखाते हैं। तो आपको पता चला, यानी कि हर रिएक्शन में ये बात फॉलो होगा कि अभिकारक का मात्रा घटेगा और प्रतिफल की मात्रा या सांद्रण उसका बढ़ेगा। अब क्यों बढ़ता है, क्यों घटता है, इस मामले को हम लोग समझें कि जैसे रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो धीरे 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 वो दूध जो है दही में परिवर्तन होने लगा, तो दूध का मात्रा कम होते चला गया। लेकिन कभी ऐसा टाइम आएगा कि पूरा का पूरा दूध जो है वो दही में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा दूध दही में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसका मतलब ये हुआ कि सर आप तो बहुत अच्छा सवाल कर रहे हैं, लेकिन मेरा भी एक सवाल है। हम बोले क्या है? तो सर जैसे मान लिया कि आप बोले कि जैसे अभिक्रिया स्टार्ट होता है तो अभिकारक का सांद्रण घटने लगता है और प्रतिफल का सांद्रण बढ़ने लगता है। हम बोले हाँ भाई बिल्कुल ऐसा होता है। तो उसने सवाल किया कि क्या सर कभी ऐसा हो सकता है कि रिएक्शन होते होते, अभिक्रिया होते होते अभिकारक खत्म हो जाए? बहुत गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। तो ये बिल्कुल सही बात है कि कोई भी अभिक्रिया में अगर कोई भी रिएक्शन में अगर अभिक्रिया स्टार्ट हो गया है तो कुछ ऐसा यानी कि कभी ऐसा टाइम भी आएगा जिसमें अभिकारक नहीं रहेगा। दूध से दही बना रहे ना, तो जैसे दूध से दही बनना स्टार्ट हो गया है तो क्या दूध तो कभी ऐसा टाइम आएगा जब शाम को आप किए हैं तो सुबह आपको दूध देखने को नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा दही है। यानी कि उसका सवाल बिल्कुल सही था, यानी कि किसी टाइम पे कभी ऐसा टाइम मिलेगा जहां पे हम लोग को अभिकारक बिल्कुल शून्य हो जाएगा, घटते घटते शून्य हो जाएगा। और ये बिल्कुल जहां तक हो सके, इसका मतलब अपना अचीवमेंट, इसका जो पहुंचने का स्थान है, पूरा का पूरा दही में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, ये प्रोसेस बढ़ना नहीं रुकेगा, बढ़ते रहेगा। कब तक? जब तक कि पूरा का पूरा दही नहीं बन जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभिकारक बिल्कुल ही जीरो तक हो सकता है, खत्म होते होते, कम होते होते। यानी कि इसमें हम लोग ये समझे कि अभिक्रिया का वेग में कि किसी भी अभिक्रिया के अभिकारक का जो सांद्रण होता है वो समय के साथ घटना शुरू हो जाता है, जबकि प्रतिफल का जो सांद्रण है वो बढ़ना शुरू होता है, यानी कि ये बढ़ता है। इसीलिए प्यारे छात्रों, हम लोग प्रतिफल को प्लस से डिनोट्स करते हैं और अभिकारक को माइनस से डिनोट्स करते हैं। यानी कि जब कभी भी अभिकारक होगा उसको माइनस से डिनोट्स करेंगे, यानी कि ऋणात्मक चिन्ह द्वारा, और अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग लिखते समय उसको धन आयन यानी कि पॉजिटिव से सूचित करेंगे, इसको ऋण आयन से सूचित करते हैं और प्रतिफल को धन आयन से सूचित करते हैं। अब लिखेंगे नेक्स्ट, इसको कुछ नहीं लिखना, इसको समझना था। नेक्स्ट एरो देंगे, उसके नीचे लिखेंगे किसी अभिक्रिया में अभिक्रिया के वेग को दिखाने के लिए अभिकारक को ऋणात्मक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ऋणात्मक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और नेक्स्ट एरो में क्या लिखना है? सब बात वही लिखना है जो अभी लिखना है, बशर्ते प्रतिफल को धनात्मक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। सब बात वही लिखना है जो भी लिखना है। अभिकारक को ऋणात्मक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, उसके पहले जो लिखवाया वो सब वही लिखना है। नेक्स्ट एरो में लिखना है क्या? वहां के बाद प्रतिफल को
ऋणात्मक सॉरी धनात्मक चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहां तक क्या हो गया। चलिए अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके भी बहुत सारे केस हैं। अब सभी केस को आपको नोट करना है, समझना है। जैसे मान लिया, अब टोटल कितने तरीके के अभिक्रिया हो सकते हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। टोटल अभिक्रिया कितने तरीके के होंगे, उसको कैसे कैसे हम लोग करेंगे, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो टोटल अगर मिला के अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग केस वन पढ़ेंगे। केस वन में यानी कि ये केस है क्या, तो केस का मतलब समझना है कि अगर कैसा अभिक्रिया रहेगा तो हमको कैसा काम करना है। तो केस फर्स्ट देखते हैं। अगर मान लिया कि अभिक्रिया सिर्फ ए से बी बन रहा है, सिर्फ अभिक्रिया क्या से क्या बन रहा है, ए से बी बन रहा है, तो ए हुआ अभिकारक, अभिकारक और बी हुआ प्रतिफल। अगर अभिक्रिया ए से अगर बी हो रहा है तो ए को बोलेंगे अभिकारक, बी को बोलेंगे प्रतिफल। अब हम लोग क्या सीखे कि जो अभिक्रिया का वेग लिखा जाता है वो दोनों का लिखा जाता है। आप अभिकारक का भी अभिक्रिया का वेग लिख सकते हैं, आप प्रतिफल का भी अभिक्रिया का वेग लिख सकते हैं। यानी कि हम इसको ऐसे लिखेंगे, अभिकारक का अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग। और एक और लिख सकते हैं, प्रतिफल का अभिक्रिया का वेग। यानी कि दो अभिक्रिया का वेग जो होता है वो दो गो का लिखाता है। अभी हम लोग पढ़े ना कि अभिक्रिया के वेग को दो तरीके से व्यक्त किया जाता है, एक अभिकारक द्वारा और एक प्रतिफल द्वारा। तो हम अभिकारक के द्वारा अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अभिकारक है तो माइनस लगा दिए। अभी पढ़े ना कि अभिकारक को माइनस से दिखाते हैं और प्रतिफल को प्लस से दिखाते हैं। लेकिन अब यहां पे हम लोग को जो डिनोट्स करेंगे वो कैसे करेंगे वो हम लोग समझते हैं। तो यहां पे जो अभिकारक में वो यौगिक क्या है, ए है, तो इसको लिखेंगे डेल मू सांद्रण ए बट्टा डेल टी। और यहां पे क्या लिखेंगे, तो डेल सांद्रण डेल बी बट्टा डेल टी। आपको कहीं कहीं बुक में कैसे मिलेगा, तो माइनस का तो माइनस लिखेंगे, अब डेल को डी भी कहीं कहीं आपको बुक में मिलेगा, डी ए बट्टा डेल टी। और इसको लिखा हुआ आप देखेंगे डी बी बट्टा डेल टी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी अभिक्रिया अगर ऐसा रहेगा ए से सिर्फ बी बन रहा है तो आप उसका अभिक्रिया का वेग कैसे लिख सकते हैं, तो आप अभिकारक से ऐसे भी लिख सकते हैं या डी भी लगा के लिख सकते हैं। मतलब लिखने का प्रोसेस, इसको डेल बोलते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं डेल, इसको पढ़ते हैं डी। इसको लिखने का तरीका है कि ऐसे लिखते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ, इसको क्या पढ़ते हैं, ब्रैकेट को पढ़ते हैं सांद्र, यानी कि माइनस अभिक्रिया अभिकारक है तो माइनस डेल ए का सांद्रण बटा डेल टी। डेल टी सब में होता है, ये कोई माने मतलब नहीं है, ये बताता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में अभिकारक कितना घट रहा है। यानी कि धीरे धीरे अगर टाइम बढ़ रहा है तो दूध का मात्रा घट रहा है। अच्छा, इसमें क्या है प्लस का मतलब, ये टाइम के अकॉर्डिंग मेरा प्रतिफल बन रहा है प्लस, तो यहां डेल बी का सांद्रण बटा में डेल टी। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो कुल मिलाकर अभिकारक का ऐसे भी लिख सकते हैं और प्रतिफल का ऐसे भी लिख सकते हैं। इसलिए यहां पे जो अभिक्रिया का वेग बनेगा, अभिक्रिया का वेग जो बनेगा वो कैसा बनेगा, तो अभिक्रिया का वेग आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस डेल ए का सांद्रण बटा डेल टी, या आप प्रतिफल वाला भी लिख सकते हैं प्लस डेल बी बटा डेल टी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई रिएक्शन देकर कोई प्रतिफल सॉरी कोई अभिक्रिया दिया हुआ लिखा हुआ रहेगा और आपको सवाल बोलेगा कि इस अभिक्रिया का वेग लिखो या इस अभिक्रिया का वेग निकालिए, तो आप अलग अलग नहीं निकालने के बजाय
आप डायरेक्ट इतना भी आंसर कर सकते हैं, कोई एक भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अक्सर अभिकारक और प्रतिफल दोनों लिखा जाता है, क्योंकि दोनों तो इक्वली हुआ ना, जितना दूध रहेगा उतना ही ना मात्रा दही बनेगा। ऐसा तो नहीं है कि दूध आपका रहेगा एक लीटर तो दही हो जाएगा दो लीटर, ऐसा भी नहीं है। अगर दूध रहेगा दो ग्राम तो बन जाएगा पांच ग्राम दही, ऐसा तो है नहीं। तो इसीलिए दोनों का सांद्रण क्या होता है, इक्वल होता है, लेकिन ये माइनस और प्लस का मतलब हुआ है कि ये घटेगा तो ये क्या होगा, बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आप हम जो है अभिकारक का अलग निकाल कर दिखाए, प्रतिफल का अलग निकाल कर दिखाए। तो अगर आप चाहें तो डायरेक्टली ये भी आंसर लिख सकते हैं, बशर्ते एक भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन दोनों को लिखा जाता है। अच्छा, इसी को हम लोग या करके अभिक्रिया का वेग ऐसे लिख सकते हैं, अभिक्रिया का वेग बराबर, ये डेल की जगह पे आप डी लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि डेल अभी लिखेंगे डी भी लिखेंगे, दोनों में से कोई एक ठो लिखना है, या तो डेल लिखिए या तो डी लिखिए। तो अब यहाँ पे माइनस डी ए का सांद्रण, ये सांद्रण पढ़ते हैं, और सांद्रण हम लोग पीछे पढ़े हैं पांच तरह का होता है, डी डी, और प्लस डी बी बटा डी टी। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब चलिए अब हम लोग काम करते हैं कि अगर कैसा अभिक्रिया भाई, तो जैसे दिखाते हैं, यहां नोट करना है, केस वन नोट कर लिए होंगे, पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग इसका जैसे दिखाते हैं, जैसे अगर मान लिया कि कोई ए से बी बन रहा है, जैसे मान लिया कि एच टू से, या मान लिया कि कोई कंपाउंड है और वो बन रहा है, ऐसा कोई कंपाउंड याद तो नहीं आ रहा है जो ए से बी बन रहा हो, जैसे मान लिया कि कैसे कोई एलिमेंट है, जैसे सी कार्बन है और यहां बन रहा है ऑक्स ओ टू को, हालांकि ऐसा रिएक्शन होता नहीं ना, एज ए एग्जाम्पल देख रहे हैं कि सी है और ओ टू की उपस्थिति में सीओ टू बना रहा है। तो अब इसको अगर हमें कोई बोलेगा कि अभिक्रिया का वेग लिखो, तो अभिक्रिया का वेग कैसे लिखेंगे, अभिक्रिया का वेग, ये किस तरह का अभिक्रिया है, तो ये और बी, जब ए और बी रहेगा तब हम लोग कैसे काम करेंगे, तो अभिकारक से लिखेंगे माइनस डेल सी का सांद्रण डी टी, डेल टी, प्रतिफल प्लस डेल किसका सांद्रण भाई, तो सीओ टू का सांद्रण डेल डी। तो इस तरह से हम लोग उसका लिखेंगे। अच्छा, अभी तक के हम लोग केस वन किए हैं, केस वन में सिर्फ ये सीखे कि अगर ए से अगर बी रहेगा तब कैसे लिखेंगे। अब अगले दिन में हम लोग अलग अलग केस पढ़ेंगे। अब केस का नाम क्या होगा, जैसे मान लिया कि ऐसा भी तो अभिक्रिया होता है, इधर प्लस में इधर ऐसे, ऐसा भी तो अभिक्रिया होता है सी प्लस डी, ऐसा भी अभिक्रिया होता है, संतुलित वाला में पढ़े होंगे टू ए प्लस बी से बन रहा है सी। तो अलग अलग केस के लिए अलग अलग हम लोग अभिक्रिया का वेग लिखना के लिए सीखेंगे। तो अभी हम लोग सिर्फ केस वन पढ़े हैं, टोटल चार पांच केस है, तो उसमें हम लोग क्लियर करेंगे कि अगर ऐसा अभिक्रिया होगा तब अभिक्रिया का वेग कैसे लिखेंगे, अगर दोनों तरफ अगर रहेगा तब अभिक्रिया का वेग कैसे लिखेंगे, और ऐसा रहेगा यानी कि कोई गुना किया हुआ रहेगा, जैसे इसको क्या बोलते हैं बैलेंस, संतुलित समीकरण रहेगा, तब उससे अभिक्रिया का वेग कैसे लिखते हैं वो हम अगले दिन से डिस्कस करेंगे, केस टू से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन देंगे और उस क्वेश्चन को बनाना होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।